हेलो एवरीवन, दिस इज समीर। तो आज के इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को हम शॉर्टकट मेथड से फाइंड करेंगे। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन को बुक के मेथड से सॉल्व करते हो तो आपको पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, आपको रीसब्स्टिट्यूट करना होता है, देन आपको इंटीग्रेट करना होता है, जिसमें आपको मिनिमम 4 to 5 मिनट्स लग जाते हैं। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन आप ट्रिक के साथ सॉल्व करते हो तो आप विद इन 30 सेकेंड और विद इन 1 स्टेप आंसर निकाल सकते हो। चलो फिर देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो इधर मैंने क्वेश्चन लिखा है x प्लस टू अपॉन x माइनस वन, x प्लस टू एंड x प्लस थ्री। तो इधर सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, न्यूमेरेटर की जो डिग्री है वो लेस देन डिनोमिनेटर की डिग्री होनी चाहिए। तो इधर न्यूमेरेटर की जो डिग्री है वो 2 है और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो 3 है। तो न्यूमेरेटर की जो डिग्री है वो लेस देन डिनोमिनेटर डिग्री है, तो मतलब हमारी जो फर्स्ट फर्स्ट रूल है वो एप्लीकेबल है। और जो हमारा सेकेंड है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, अगर आप इसको गौर से देखोगे x माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है, तो आप इधर ये क्वेश्चन को आप ट्रिक के मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो ट्रिक क्या है, तो आपको क्या करना है, x माइनस वन इस ब्रैकेट से आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x इज इक्वल्स टू 1। इस ब्रैकेट को छोड़ के आपको x इज इक्वल्स टू 1 पूरे ब्रैकेट में आपको पुट करना है। तो देखते हैं हमको वैल्यू क्या मिलती है। अगर एक्स इधर 1 पुट करते हैं तो इधर हमको 3 मिलेगा, और 1 प्लस टू 3 और ये 4 और लॉग, और इधर क्या आएगा, आपने जिस ब्रैकेट से आपने वैल्यू फाइंड की है आप उसको इधर ब्रैकेट में लिख दो लॉग के साथ। जो नेक्स्ट है हमारा एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू को 0 के साथ इक्वेट करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमको माइनस टू। तो एक्स की वैल्यू जो है हमें इस ब्रैकेट को छोड़ के इस सारे ब्रैकेट में x की वैल्यू को हमें माइनस टू पुट करनी है। तो इधर हम माइनस टू पुट करते तो हमको मिलेगा 6, और नीचे माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री और माइनस टू प्लस थ्री 1, और लॉग में क्या आ जाएगा, आपने जिस ब्रैकेट में से x की वैल्यू फाइंड की है वही ब्रैकेट आ जाएगा, x प्लस टू इज। और थर्ड हमारा क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू आ गई -3। तो इस ब्रैकेट को छोड़ के आप क्या करो, एक्स की वैल्यू जो है -3 सारे में पुट कर दो। तो इधर -3 आप पुट करोगे तो इधर आ जाएगा 11 -4 और इधर आ जाएगा आपका -1 और लॉग, जिस ब्रैकेट से आपने लॉग एक्स की वैल्यू फाइंड की है वो इधर आ जाएगा प्लस सी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसका जो आंसर है हमने विद इन 1 स्टेप निकाल। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल मैथ्स है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बचेगा, एंड ये लॉग एक्स माइनस वन एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा -2 लॉग एक्स प्लस टू प्लस 11/4 log x प्लस थ्री प्लस सी, दैट्स इट। तो जैसे देखा आपने कि ये जो क्वेश्चन है हम पार्शियल फ्रैक्शन को विद इन 1 स्टेप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस ट्रिक। तो चलो हम यही ट्रिक यूज करके दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x dx अपॉन 1 प्लस sin x 2 प्लस sin x। इसको भी आप ट्रिक के मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जस्ट आपको कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। आपको क्या करना है, साइन एक्स को पुट करना है टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स एंड टी का हो जाएगा डी टी। बस आपको साइन एक्स के जगह टी पुट करना है तो आपको क्या मिलेगा, 1/1 + t 2 + t एंड डी टी, दैट्स इट। तो बस आपको इधर इसके बाद ट्रिक अप्लाई करना है। तो ट्रिक में क्या करना है, आपको पहले है 1 + t को इस ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट करके टी की वैल्यू जो आएगी -1, इस ब्रैकेट को छोड़ के सारे ब्रैकेट में टी की वैल्यू पुट कर दो तो हमको क्या मिलेगा, 1/2 - 1 ही आएगा लॉग, और जिस ब्रैकेट से हमने वैल्यू को फाइंड किया है वो ब्रैकेट लॉग में आ जाएगा। फिर देन इस ब्रैकेट को इक्वेट करो 0 के साथ तो टी की वैल्यू जो मिली हमको -2, तो इस ब्रैकेट को छोड़ के आप इस ब्रैकेट में टी की वैल्यू पुट कीजिए तो हमको वैल्यू आ जाएगी 1/-1 लॉग, जिस ब्रैकेट से हमने टी की वैल्यू फाइंड की है वो ब्रैकेट लॉग के साथ आ जाएगा प्लस टी सी।
दैट्स इट। तो देखा आपने, इस क्वेश्चन को भी हमने विद इन वन स्टेप सॉल्व कर लिया है। यही सारे ट्रिक्स के वजह से ही आपके एग्जाम में काफी काफी समय बच सकता है, और यही ट्रिक को यूज करके आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी ट्रिक के बेसिस पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/sin(x)(3+2cos(x)। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में तो काफी बार पूछा गया है, एज वेल एज सीईटी में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुए। तो ऐसे टाइप को भी आप ट्रिक के मेथड से सॉल्व कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। यानी देखो, जिस ब्रैकेट के बाद जो टर्म है, मींस यहाँ पे साइन एक्स है, तो साइन एक्स को आप क्या करोगे, साइन एक्स आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, तो हमें मिलेगा साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट एज इट इज। तो अभी इस साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या कर सकते हो, 1 - cos² x लिख सकते हो। तो इधर हमने साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख दिए cos² x, 1 - cos² x, 3x+2cos(x)। तो जस्ट अभी इसको क्या करना है, आपको cos x को पुट करना है t, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin(x dx) = dt। तो अभी हमको क्या करना है, cos x इज इक्वल टू टी, इसमें सब्सिट्यूट करना है, तो हमको क्या मिलेगा, -1, 1 - t² और 3+2t dt। तो इधर हम 1 - t² को 1 - t 1+t लिख सकते हैं, तो वही क्या आएगा, 1 - t और 1+t और 3+2t एज इट इज dt। तो आप देख रहे हो कि ये जो है, ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हमको मिल गए। तो अभी इधर क्या करना है, आपको बस ट्रिक अप्लाई करना है। तो ट्रिक यूज करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट को जो है उसको जीरो के साथ इक्वेट करना है, तो टी की वैल्यू जो आएगी 1 आएगी, और इस ब्रैकेट को छोड़ के आपको सभी ब्रैकेट में टी की वैल्यू 1 पुट करके आंसर फाइंड करना है। तो -1 और इधर अगर 1 पुट करोगे तो 2 और ये 5, तो लॉग इधर जहां से आपने टी की वैल्यू फाइंड किया वो ब्रैकेट को आप लॉग के साथ लिख दो, और इधर टी के साथ जो कोफिशियंट है वो -1 है, तो इसलिए ये डिवाइड होगा -1 के साथ भी। तो हमारा सेकेंड ब्रैकेट जो है 1+t है, तो इधर टी की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, -1। तो इस सेकेंड वाले ब्रैकेट को छोड़ के आप सभी ब्रैकेट में टी की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, -1, 1 - -1 क्या हो जाएगा, 2, और इधर आ जाएगा 1, और लॉग के साथ आप क्या लिखोगे, जिस ब्रैकेट से आपने टी की वैल्यू फाइंड की है। तो हमारा अभी लास्ट ब्रैकेट बचता है 3+2t, इधर आप टी की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको इधर टी की वैल्यू क्या मिलेगी, -3/2। अब इस ब्रैकेट को छोड़ के सारे ब्रैकेट में आपको टी की वैल्यू -3/2 पुट करनी है, तो इधर -1 इस ब्रैकेट में अगर आप पुट करोगे तो इधर मिलेगा 5/2, और इस ब्रैकेट में आप पुट करोगे -3/2 तो आपको मिलेगा -1/2, और लॉग, और आपने जिस ब्रैकेट से आपने टी की वैल्यू फाइंड की वो ब्रैक लिख दो लॉग के साथ, और इधर टी का कोफिशियंट जो है वो 2 है, तो इसलिए डिवाइड बाय 2 करना है, और प्लस सी, दैट्स इट। इसके बाद आपको बस सिंपल मैथ्स यूज करना है सिंप्लीफाई करने के लिए। इधर -1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 2 = 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा, एंड 5 2 = 10 डिनोमिनेटर में रह जाएगा। तो जैसे कि मैंने इसका सिंप्लीफाइड आंसर लिख दिया है, बिलीव मी गाइस, इसको सिर्फ समझाने के लिए मेरे को टाइम लग रहा है, वरना अगर आप खुद से इसको सॉल्व करोगे तो आपको आपको आंसर इसका विद इन 30 सेकेंड मिल जाएगा, और विद इन 1 स्टेप मिल जाएगा। तो अगर आप बुक के मेथड से इसको सॉल्व करने जाओगे तो मिनिमम आपको 4 to 5 मिनट्स लग जाएंगे, एज वेल एज काफी सिली मिस्टेक होने की वजह से आपका पूरा सम भी रॉन्ग हो जाता है कभी कभी। तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कभी कभी प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हो, इसके वजह से आपका पूरा जो सम है वो पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। लेकिन ट्रिक्स का यही एडवांटेजेस है कि आपका सबसे पहले तो आपका टाइम बच जाता है, एज वेल एज जो सिली मिस्टेक्स है वो होने के कम चांसेस है। तो ऐसी सारी और काफी सारी ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये ट्रिक समझी है तो वीडियो को लाइक करो, और
मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल एज वेल एज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर की हुई है, जहां पे हम PYQs एज वेल एज PDF शेयर्स करते हैं, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी MSTCT की प्रिपरेशन काफी इजीली होते रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।